दोस्तों अभी हमें भावनगर शहर के तलाजा के एक हाईवे पे भावनगर रोड पे है। अभी यहाँ पे अभी हमें एक कॉल आया था व्हाट्सएप के माध्यम से, और भाई काफ़ी टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, और जिस भाई ने फ़ोन किया था वो भी हमारे साथ है, बट भाई के साथ थोड़ी बातचीत करते हैं। यहाँ की हालात देखिए आप कि वो किस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। हमारे पास सब कुछ, हम हर बार यही दिखाते हैं कि व्यक्ति अपने सब कुछ होने के बावजूद भी दुखी होता है और अपने आप को बोलता है कि मैं बहुत ही दुखी हूँ, बट इस हालात को देख के हमें लगता है कि जीवन में हम ही सबसे बड़े सुखी और सबसे बड़े अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। कैसे हो भगवान, क्या नाम है आपका? हेलो, क्या नाम है? इधर बाहर आ जाओ, चलो बाहर आ जाओ, आ जाओ। ના ના આપણે ત્યાં જ બેસીએ, એમ તો કેવો એટલું બધું કર, રોકો એક મિનિટ રોકો, બેઠો મત, ક્યા નામ ક્યા હે પ્રભુ આપકા, આપકે બારે મેં જાનતે હો કુછ, કહાં સે હો? તો આપકા હી ફોન થા ના, ક્યા નામ હે આપકા ભાઈ? વિશ્વરાજસિંહ। વિશ્વરાજસિંહ, આપ કિતને ટાઈમ સે જાનતે હો ભગવાન કો? 15-20 દિન સે। બરાબર, એ કોન સી ઇધર સે ઇધર આયા થે, બાદ મે ઇધર ખાના ખાયા, तभी मेरे को बताया, उनको पोपट भाई का कांटेक्ट करते और इसको सही जगह पहुंचाते हैं। वो बात करने के बहुत ट्राई की पर बात कुछ करता ही नहीं है, बोले ही बैठ रहे हैं। अच्छा, खाना खाओ दो तो खा ले, वरना कुछ नहीं करे, बैठ रहे, परेशान कुछ नहीं कर, कुछ नहीं करे। बरोबर, इधर होटल सब जाते हैं, चाय पानी पीता है और चला जाता है। ये कौन सा इलाका है भावनगर की? भावनगर का हाईवे है, भावनगर सोमनाथ हाईवे, उसको त्रापद से 2 किलोमीटर दूर धारड़ी गाँव है। धारड़ी, अच्छा भगवान, आप बता सकते हो अपने बारे में कुछ? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? सुन तो सकते हो बट बोल नहीं सकते हो ना। चलिए कोई बात नहीं, देखो मेरी बात सुनो, आप है ना मेरे साथ चलो, आपको एक अच्छी रहने की सुविधा मिलेगी, खाना पीना आपकी देखभाल रखी जाएगी, सोशल मीडिया आश्रम यहाँ से 20 किलोमीटर है, ठीक है, इसी हाईवे पर बन रहा है 20 किलोमीटर दूर सोशल मीडिया आश्रम, आप मेरे साथ चलो, है ना, आओगे मेरे साथ? बस चलो, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हो प्यार, चलिए आप मेरे आज साथ आ जाइए, खड़े हो जाइए। दोस्तों आप देखिए हालात वीडियो के माध्यम से इसलिए दिखा रहे कि इस मतलब ये धारड़ी बस स्टेशन है और इसके नीचे मतलब आप गंदगी देखिए और इसी गंदगी के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे। हम अच्छी तरह से रह रहे हैं, सब कुछ है हमारे पास, अच्छा खाना मिल जाता है, अच्छी तरह से रह लेते, बट ऐसे व्यक्ति जो जीवन में बिल्कुल निराधार है, उसका कोई रहने की कोई सुविधा नहीं है, नहीं कि खाने पीने की, आसपास के लोग जो कुछ भी हो सकता है वो सपोर्ट करते हैं, बट थैंक यू सो मच भाई, आपने कांटेक्ट किया और एक ज़िंदगी बदलने का थोड़ा सा प्रयास आपका, थैंक यू, आप आए। अरे नहीं नहीं, बस हमारा कर्तव्य है, ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, अभी भगवान बिल्कुल कंप्लीट है, अभी हमारे साथ आने के लिए भी रेडी है। पूरा एपिसोड देखिए, अभी हम जा रहे हैं सोशल मीडिया आश्रम के, बज चुके हैं 6:30 और पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 7-8 बज जाएंगे। कही जाओ, इधर आ जाओ। 25 दिवस रात था भाई, जमा रहा है 25 दिवस रात जमा रहा है, बढ़िया टाइम थी। अच्छा वाह, ना ना बहुत सारी बात है, कोई बात नहीं। शू, क्या नाम है आपका भाई? मारो नाम नरेश है। नरेश भाई, क्या यहां धारडी ना रहवा से? होने भाई, मतलब मीना होटल में। ऐसे व्यक्ति की कभी देखभाल रखनी चाहिए, खाना खिलाने से बात अच्छी है। 25 दिन से भाई आते ही ગોદડા નહોતા, એને ગોદડા આપ્યા, પછી એને ખાવાનું થાળી અને કાંઈ પાણી સાર, વાહ, બધી વસ્તુ કરી, ના ના જેટલું ખાય છે, દુકાનવાળાનો સપોર્ટ સારો છે, દુકાનવાળા એમ કે લઈને આવે છે, બરોબર, બહાર ગામ ગયેલો હતો એને જમાડીને બેસી, ના ના બહુ સારી વાત છે, થેન્ક યુ, ચાલો જેટલું થાય એટલું કરવું જો, બેસી ગયા દાદા, અંદર જતા રહ્યો, બસ ચાલીએ ચાલીએ દોસ્તો, અભી હમ જા રહે સોશિયલ મીડિયા આશ્રમ ઓર આપ ભી અપને આસપાસ લોકો કી મદદ કીજે, ઠીક હે, તમે પણ આવી રીતે જમાડવું એ બહુ સારી વાત છે, પણ જો એની હાલાતને બદલી દઈએ ને તો પણ માણસ નોર્મલ થઈ જાય, હોને તો પ્રયત્ન કરજો, બાકી અમે સાથે જઈએ, ચાલો ભાઈ, થેન્ક યુ, આવજો બધા આશ્રમે આવજો, હોને ચાલો દાદા મળીએ, થેન્ક યુ। ઓર ભગવાન અપના નામ નહીં બતા રહે બટ ઉસકો હમ પ્યાર સે પ્રભુજી કહે રહે, ઇતની ઠંડી દિન પ્રતિદિન બઢ રહી હૈ, માહોલ બહુત ખરાબ હૈ અભી, ઓર ખાસ કરકે ઇસ ગાંવ એરિયામાં खुला विस्तार होने के कारण ठंडी बहुत ही बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, तो अपने आसपास लोग जितने भी रह रहे हैं, तो आपके पास आपके मकान हो या प्लॉट हो या कुछ भी, आपके पास कोई सुविधा हो, आपके अगल बगल में कुछ ऐसी सुविधा है जहाँ पे उस
उसको वहाँ पे आप रख सकते हो, तो प्लीज़ उसको कुछ रहने की सुविधा दीजिए, वरना कुछ भी हो सकता है इतनी ठंडी में। हर एक व्यक्ति मतलब जीना अच्छी तरह से चाहता है, हम एक इंसान है तो इंसान की मदद करते हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य, हमारी पूरी टीम का एक कर्तव्य हम समझ के काम कर रहे हैं। आप पूरे हिंदुस्तान से देख रहे हो, वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आपको भी कुछ प्रेरणा मिले, अपने आसपास लोगों की मदद कीजिए। और इतनी ठंडी में आप सोचिए दोस्तों कि इस बस स्टेशन के अंदर इतनी गंदगी के साथ हो रहते थे, नहीं कोई खाने की व्यवस्था, नहीं कोई रहने की अच्छी सुविधा, पहनने कपड़े भी काफ़ी दिन से वो बदले चेंज नहीं किए, उसकी वजह से दुर्गंध भी बहुत आ रही है और गाड़ी में भी दुर्गंध आ रही है। बट क्या करें, ज़िंदगी बदलने के लिए आने वाला दिन सुगंधित होने वाला है तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी। पूरा एपिसोड देखिए, अभी जा रहे हैं सोशल मीडिया आश्रम, ऑन द वे है, थोड़ा टाइम लगेगा बट आने वाला जीवन बिल्कुल बदलेगा, वो हम आपको गारंटी देते हैं। पूरा हिंदुस्तान को निवेदन, पूरे हिंदुस्तान को निवेदन है कि जो कोई भी व्यक्ति अंकल को पहचानता हो या कुछ भी तरह सा कोई आपके पास कोई ऐसा प्रूफ हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, अंकल का परिवार तक हम पहुंच सकते हैं। नाम उसका बता नहीं रहे बट हम कोशिश करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और ज़्यादा दें। पूरा एपिसोड देखिए और शेयर कीजिए, थैंक यू। बटनिया ऐसे नहीं, हाँ बस बोल, आ जाओ भगवान, हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपका घर आ गया आज। बस दोस्तों अभी रात हो चुकी है और ऑलमोस्ट मैंने अभी आगे बताया कि 6:30 बजे तो हम वहाँ पे पहुँचे थे और अभी यहाँ पे पहुँचते 8 बज चुके हैं। काम अभी यहाँ पे चालू है, रात की वजह से आपको सब कुछ नहीं दिखा जाएगा। और अभी यहाँ पे सोशल मीडिया आश्रम जो बन रहा है, आप सभी लोग जो हिंदुस्तान से देख रहे हो और आसपास के जितने भी देश से इस वीडियो को देखा जा रहा है, सभी का प्रयोग, आप सभी का सपोर्ट और आप सभी के माध्यम से कुछ ना कुछ बेहतर बनाने की कोशिश की है ऐसे प्रभु जी के लिए, जो इतनी ठंडी में, गर्मी में, बारिश में अपने जीवन को ऐसे जी रहे हैं, तो कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो हिंदुस्तान का विचार है, आप सभी लोगों का सपोर्ट है, तो बिल्कुल हम साकार कर पाएंगे। आ जाओ आ जाओ, काट दो बाल। आप अपना नाम तो बता दो यार, बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या नाम है? मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बोलो ना क्या नाम है, हैं भगवान क्या नाम है? चलो कोई बात नहीं, आप रूठे हैं ना हमसे, कोई बात नहीं, मैं मना लूंगा आपको। बराबर भगवान, चलो गर्म पानी आ रहा है, मस्त नहा लेते अभी हम, बैठ लो। बस बहुत दुर्गंध आ रही है दोस्तों, बट चलिए आने वाले जीवन सुगंधित होने वाला है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। इतनी ठंडी में आपका ध्यान रखिए, ठंडी में भी आप अपना भी ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी रखिए। चलिए आ जाइए, अभी रात हो गई है और खाने की व्यवस्था आप देखिए कि हम यहाँ पे जितने भी प्रभु जी रह रहे हैं, अभी 17 लोग यहाँ पे रह रहे हैं और अलग अलग जगह से लाए हुए की व्यवस्था किस हिसाब से की जा रही है। जितना भी कुछ हम कर रहे हैं, आप सभी लोगों का प्यार सपोर्ट और कहीं ना कहीं जो कुछ भी कर रहे हैं तो बस आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से। पिक्चर जो आप देख रहे हो अभी वीडियो के माध्यम से, वो सिर्फ 10 या 15 मिनट का, मैक्सिमम 20 मिनट का होता है, पर उसके बाद का उसके जीवन में कैसे बदलाव हम ला सकते हैं उसका पूरा पिक्चर आपको देखना है तो यहाँ पर आपको आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हर एक व्यक्ति की लाइफ कैसे बदलाव हम ला सकते हैं। ये हमारे मितेश भाई है, फिर ये हमारे केरला से है भाई, सभी लोगों का वीडियो है, फिर ये हमारे करोड़पति है, फिर ये हमारे ऊना रोड से हम लाए थे हाईवे से, फिर ये दिखाओ मुँह अपना, ये प्रभु जी कल आए हैं, ऐसे डायरेक्ट कोई व्यक्ति यहाँ पे रख गया। हम जरूरी नहीं कि वीडियो ही बनाते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि वीडियो ना बनने के बावजूद भी किसी की ज़िंदगी बदल रही है तो सबसे बड़ी बात है। फिर ये हमारे तलाटी मंत्री, फिर ये पंचमहल से हमारे अरविंद भाई, फिर ये भावनगर से अभी थोड़े दिन पहले हमने लिया था, फिर बंगाली भाई, फिर ये हमारे अशोक भाई, फिर ये भी हमारे बंगाली कोलकाता से है। तो ये पूरा वीडियो जो दिखा रहे हैं वन ऑफ टाइम होता है, उसके बाद का जो पूरी ज़िंदगी के लिए, मतलब जब तक उसका परिवार नहीं मिलता तब तक का ख्याल हम रखने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ही मेहनत का काम है दोस्तों, ये कुछ मामूली काम नहीं है। पर आप यहाँ पर आइए, पूरा पिक्चर यहाँ पर आके देखिए और किस हिसाब से रखा जा रहा है, संभाल कैसे की जा रही है, ये सब कुछ आपको सोशल मीडिया आश्रम पर देखने को मिलेगा। बट चले कोई बात नहीं, नए प्रभु जी आ चुके हैं, उसकी तैयारी करते हैं। पूरा एपिसोड देखिए और शेयर कीजिए। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ।
बराबर प्रभु जी, ठंडी लग रही है ना, अभी आ जाओ मैं आपको स्वेटर देता हूँ, उसके बाद ये लुंगी ओढ़ लो, ये लो, ये निकाल दो रुमाल, बस बस इसमें ठंडी नहीं लगेगी, बराबर ना। चलिए दोस्तों, सोशल मीडिया आश्रम हम सभी लोगों के लिए एक ऐसा विचार जो कहीं ना कहीं ऐसी जिंदगी बदलने की बात हम साकार कर सकते हैं। यहाँ पे पीछे आप देख रहे हो ये सीमेंट आपको दिख रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति सपोर्ट करता है, उसके माध्यम से ये सब कुछ मुमकिन है। आज खास करके सीमेंट के अंदर जिस बहन ने हमें सपोर्ट किया उसका नाम है इलाबेन पटेल, और वो वैसे तो अमेरिका की रहवासी है और उसके पूरे परिवार की तरफ से आज उसने सीमेंट का कंट्रीब्यूशन दिया है। तो थैंक यू सो मच बहन, आज आपने 150 थैली सीमेंट सोशल मीडिया आश्रम के लिए जो कंट्रीब्यूशन भेजा है, आपका योगदान यहाँ तक पहुँच चुका है। मेरे हिंदुस्तान से जितने भी लोग देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, तो आप सपोर्ट कर सकते हो। आपका एक थैली भी सीमेंट हमें बहुत ही प्रेरणादायी और योग्य रूप के बहुत ही उपयोगी बन सकता है। सीमेंट है, रेती है, कपची है, लोखंड है, ये चार चीज़ ऐसी है कि कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन भाव भी उसके बढ़ रहे हो। कहीं चीज़ भी आप जो कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो आप सोशल मीडिया आश्रम पे दे सकते हो। तो थैंक यू सो मच इलाबेन, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग हमारे सोशल मीडिया आश्रम तक पहुँच चुका है, आपने सीमेंट के लिए जो योगदान दिया है। ऐसे प्रभु जी कि जो कहीं ना कहीं ऐसे बस स्टेशन में रहते थे, कोई कब्रिस्तान में रहता था, कोई ऐसी हालात में रहता जो 10-15 साल से नहाए नहीं थे, बट कहीं ना कहीं हम ही एक इंसान है तो इंसान की मदद करते हैं, बराबर ना अंकल। आ जाओ खाना खा लेते हम, आ जाओ इधर बैठ जाओ, लो इसे बड़े पैमाने में लेना चाहिए और उसको ऐसे पकड़ के बस। तो चलिए दोस्तों, आज सोशल मीडिया आश्रम पे एक नए प्रभु जी का आगमन हुआ है, आप भी अपने आसपास लोगों की मदद कीजिए। हम सभी लोगों का एक विचार आज आपके समक्ष हम रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान का विचार हमें साकार करना है, तो सपोर्ट करते रहिए। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। लो दादा छाछ भी पीते जाए।